हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। और आज का दिन है बहुत ही सुहाना, क्योंकि आज निकली है धूप बहुत प्यारी वाली। तो आप इमेजिन करो कि यार हल्का हल्का ठंडा मौसम और उस पर हल्की हल्की जो धूप पड़ती है ना, तो क्या मज़ा आता है। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था क्योंकि बाहर ठंडा था सुबह के टाइम पे, तो बाकी बच्चे लोग स्कूल चले गए थे और भाभी खाना बना के अपना जॉब पे चले गई थी। थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ और ऊपर आया, छत पे नाश्ता वगैरह किया, फिर छत पे आया। मम्मी नीचे हैं, अपना काम कर रही हैं। मैं थोड़ा छत पे आके धूप देखा तो अच्छी लग रही थी, तो यहाँ आ गया। और यहाँ पर धूप सेकने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी है, ये देखो। ओए किट्टू, धूप सेक रहा बाबू, हाँ देख रहे हो। ये किट्टू को बुला रहे हैं, किट्टू से मिलना है, किट्टू से मिलना है। वो देखो, बुलाओ, आ जा, बोल उसको प्यार से, बोल ऐसा किट्टू, आ जा, बोल, बुलाओ उसको, बुलाओ किट्टू। नहीं सुन रहा ना बात, वो अपना खेलने में लगा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले गूंज से बात हुई थी, तो गूंज तो बाजपुर में ही है, बुआ जी के पास। आज बाजपुर में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, तो वो आ रहे हैं शायद, तो वहाँ पर उनका कुछ समारोह है। तो गूंज भी घर पे क्या करती थी, तो वो भी वहीं गई हुई है बुआ के साथ। आज वही सब, आज फंक्शन में जाएगी वहाँ पे, फिर शायद आज या मेरे ख्याल से कल जाएगी वो अपने घर वापस रुद्रपुर। आ गए स्कूल से, क्या बना रही हो? अरहर की दाल, चावल और रोटी, सब्जी। बढ़िया, मैं आ रहा हूँ जरा दोस्त के वहाँ, जा रहा हूँ नीरज के वहाँ, तो बाहर आए खाना आगे खा लूंगा मैं। आके खाएगा? हाँ कब तक आएगा? तो आता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, मेरे फ्रेंड नीरज तड़ियाल का भी फोन आया है और मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। उसे पता चला कि मैं आया हूँ, तो मुझे मिलने बुला रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, यहीं पास में एक जगह है लखनपुर के पास में, तो उसके पास जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पर कुछ तो समारोह वगैरह चल रहा है पूरा। गिर रहा है क्या? रॉयल एनफील्ड का नया मॉडल आया मीटियोर, ये इसको मेंटोर बोल रहा था, ये मीटियोर है, इसको मेंटोर बोल रहा था। तो गाइस ये नया मॉडल आया, खेती बाड़ी वाला आदमी है ये, यहाँ आके खरीद रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि खेती अभी खेती आलू हो ही नहीं है। आलू नहीं बो रखे? आलू अभी हो नहीं रहे, पीछे नहीं हो गए, पीछे वो उसके नीचे फसल नहीं आ रही। अच्छा, तो एक बता, तीन तो हम हैं, ये चौथा कहाँ जाएगा? आगे रखूंगा यार। तो गाइस, ये जो वायर आप देख रहे हो दीवार के ऊपर, ये इस सब में करंट लगाया गया है, क्योंकि ये जंगल से इधर जो शहर की तरफ क्या है कि जानवर आ जाते हैं, जैसे बाघ वगैरह, हाथी वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर वायर लगाए गए हैं, उसमें करंट है फिलहाल अभी। तो गाइस, नीरज के साथ में जा रहा हूँ, बोल रहा था घर चलो, चिल्किया में इसका घर है, तो हम चिल्किया जा रहे हैं। ये बच्चा वहीं से आया है, उसके गांव से ही है, तो साथ में आए थे। अब हम ट्रिपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बाइक में आया, मुझे जाना है इसके साथ। स्कूल पढ़ता है? हाँ। कितने में? नौ में पढ़ता है। क्या नाम है? ऋतिक। ऋतिक रोशन? नहीं, ऋतिक। तो डांस करता है? अच्छा, नहीं डांस नहीं करता, तेरा नाम ऋतिक है तो डांस नहीं करता, क्या बात हुई यार। खेती बाड़ी करता है? या तो पढ़ाई भी करता है, खेती बाड़ी भी करता है ना, मतलब घर वालों का हाथ बटाता है। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो पढ़ाई में कैसा है अभी? ठीक है? हाँ, अभी ठीक हूँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ। मैथ अच्छी लगती है? आती नहीं है। तो क्या बनेगा बड़े होके? डॉक्टर। अबे तो मैथ तू पढ़ता है तो डॉक्टर कैसे बनेगा? बायोलॉजी चाहिए ना उसके लिए। तो फिर तो बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, टेंथ के बाद लेगा बायोलॉजी। अच्छा, तो हम लोग रुके हैं अभी रास्ते में और खाई जा रही है टिक्की। यहाँ हम स्कूल पढ़ते थे तो बचपन में खाते थे, तो अभी फिलहाल टिक्की खा रहे हैं यहीं पे। वो जो पटरियों के पार पीला वाला घर दिख रहा है, यही उसका घर है, तो हमें अभी यहाँ से आगे से जाएंगे। ये इसके ऐसे पड़ोसी हैं जो इसकी बाइक को यहाँ पर पार्किंग करने देते हैं, और वो है सामने पटरी के पार, इसका घर है, यहीं पार्क करता है। इसकी विडंबना यही है कि इसका जमीन जो थी वो पटरी के पार थी, अब इसकी गाड़ी वाड़ी कुछ भी लेगा तो उस पार नहीं जा पाएगी, इसको यहीं पार करके जानी पड़ेगी, यही है इसकी दिक्कत।
कैसे हो? गाइज ये है जर्मन शेपर्ड स्पेशल ब्रीड। जर्मन शेपर्ड की जो ब्रीड बहुत कम है, ये मिलती नहीं जल्दी, ये वाली ब्रीड ये लाया है। कैसे आंटी? प्रणाम। जर्मन शेपर्ड की स्पेशल ब्रीड है वो। कितनी भैंसे पाली? एक भैंस और एक गाय। आ आ, क्या नाम है इसका? ये इनके कान में जो स्टेपल कौन मारता है? जनगणना, मतलब इनकी भी गणना होती है कि कितने जानवर हैं? क्या बात कर रहे हैं? दुनिया में मतलब इंडिया में कितने जानवर हैं? कितनी गाय हैं, कितने जानवर हैं, सब इनकी गणना होती है। तो भैंस के क्यों नहीं किया गणना, इसको गणना में क्यों नहीं लिया? और यहाँ पर सूख रहा है धान। क्या क्या उगा रखा है इसमें? धनिया, धनिया, प्याज, ये मूली, और बाकी वो सब क्या लगा हुआ है? गेहूं लगा हुआ है। कुत्ते का नाम क्या है? इसका नाम है शेरू। और ये है जर्मन शेपर्ड की स्पेशल ब्रीड। क्या क्या क्या? मटर और बीन्स। मटर का कौन सा है? मटर सॉइल होगा इसी। ये है मटर, ये मटर के फूल है, तो ऐसे होता है। देखो मटर, ये देखो, बड़ी बड़ी भी हो रही है। ये देखो, ये मटर अभी हो रहा है, इसमें फिर दाने बनेंगे, तो ऐसे होता है। गाइस लोग यहाँ भी बड़े बड़े आ चुके हैं। ये तो तेरे अपने चेला। ये कैसे बोल रहा गाइस लोग? कैसे बोल रहा गाइस लोग? हाय गाइस, ये आ चुके हैं, देखो बड़ी बड़ी, इसमें भी दाना नहीं आया है। हाँ गाइस, ये है बहुत बड़ी बड़ी। इसमें नहीं आया। तो हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या किसके वीडियो देखता है तू यूट्यूब में सबसे ज्यादा? किसका? अज्जू भाई क्या उन्हें? तू मतलब गेमिंग के वीडियो देखता है? हाँ। तो उसका कोई डायलॉग वायलॉग है फेमस? यही देखता हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो? ये डायलॉग है उसका? हाँ यही बोलता है को हर वीडियो पे। अच्छा, वो देखो कितने सारे तोड़ के लेके आ गया। ये है अज्जू भाई का फैन, अज्जू भाई गेमिंग का फैन। मार दे फिर डायलॉग उसका एक बार। हाय गाइस, कैसे हो? ये पूरे गांव में इकलौता ऐसा घर है जिसका पीला कलर है, तो अगर कभी भी इस गांव में आओ और पूछो पीले कलर वाला घर किधर है, तो कोई बता देता है। हाँ। इसका नाम ही फेमस है, पीले रंग वाला घर। हाँ। तो गाइस अब हो गया है भोजन का टाइम, और भोजन लग चुका है। ये है मेथी के पराठे और चटनी। और हाय गाइस। ये गाइस वर्ड सीख गया ना, ये जब भी कैमरा घूमो तो हाय गाइस। हाय। हेलो। ये है मेथी के पराठे, चटनी और दूध, एक नंबर। और फिलहाल इसके घर के सामने वाली पटरियों से गुजर रही है ये ट्रेन, जो कि जा रही है मुंबई। जी हाँ, अक्सर मैं भी कभी कभी जब ट्रेन से आता हूँ तो ये इसी ट्रेन से जाता हूँ वापसी जब करता हूँ, या फिर यही ट्रेन जब एक दिन पहले आती है तो इसी ट्रेन में कभी कभी मैं आता हूँ। और ये ट्रेन बहुत सही है, सीधे मुंबई से मेरे घर रामनगर तक आती है, तो मेरे लिए बहुत मतलब ईजी पड़ता है। मुझे बार बार दिल्ली से होते हुए नहीं आना होता, तो बहुत इजी होती है ट्रेन। आ जा। क्या नाम है इसका? पोतीला। क्या ला? पोतीला। क्या ला? तो गाइस बहुत देर हो गई थी यहाँ बैठे बैठे, अब घर जाने का टाइम हो गया, शाम हो गई है, तो अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए धीरे धीरे। यहाँ भी कहीं तो कुछ चल रहा है पीछे, इलेक्शन वगैरह का ही। चल बाय। गाइज मैं अपने घर आ गया हूँ, और मुझे छोड़ के वो अपने घर चला गया था, और काफ़ी ठंडा था उसके वहाँ पर, मतलब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि उधर एक्चुअली खेत वगैरह का इलाका है, बगीचे वगीचे आसपास, तो ठंडी हवाएं ज़्यादा थी मैंने देखा उधर। और पिछली बार जब मैं आया था तब तो बहुत लेट मिल पाया था मैं उससे, क्योंकि उसका भी खेत वेत का काम रहता, तो वो कम इधर की तरफ आता है, लेकिन इस बार आते ही मिल गया है, तो ये भी अच्छा हुआ।
खैर अभी तो मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अभी मैं तकरीबन काफी दिन हूं मैं यहाँ पर, तो मिलते रहेंगे और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे अगले वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए। आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।